मेरी मॉम ने और मैंने ऐसा कुछ प्लान किया है कि हम लोग बनाएंगे पूरी और खीर। सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संग्राम सिंह। दोस्तों, आज का ये व्लॉग शुरू करने के पहले आपको मेरी और मेरे फैमिली की तरफ से रमज़ान महीने का ढेर 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 सारी मुबारकबादें। बोल मुबारक हो। अच्छा ठीक है, तो आज है रोज़ा का दूसरा दिन और मैंने डिसाइड किया कि मैं आज एक दिन का रोज़ा रखूँगा। इसके पहले मैंने दो बार रोज़ा रखा है। एक 2011 में मेरा एक फ्रेंड था, आरिफ अंजुम खत्री, वो मेरा पार्टनर था उस टाइम में, तो उसके साथ रखा था। और एक रोज़ा रखा था मैंने लास्ट ईयर, उसका ही मैंने एक व्लॉग बनाया था, बहुत अच्छा व्लॉग था वो, और वो आज तक का मेरा सबसे बेस्ट 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 व्लॉग है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं यहाँ कार्ड्स में लिंक दे दूंगा, इस व्लॉग के बाद जाके वो व्लॉग जरूर देखना, यू विल डेफिनेटली लव इट। आज इस रोज़ा का एंडिंग में क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह सारी जगहों पर चल रहा है। गए साल तो मैं गया था, जब रोज़ा रखा था दरगाह गया था, वहाँ पर इफ्तारी वगैरह की थी, वहाँ रोज़ा छोड़ा था और सारी चीज़ें की थी, लेकिन आज इस लॉकडाउन में सारी चीज़ें घर पर ही होने वाली है, तो इफ्तारी के समय मैं क्या करूँगा कैसे करूँगा कोई आइडिया नहीं है। और आज सिर्फ एक ही दिन का रोज़ा था तो इसीलिए मैंने सहरी भी नहीं की, सुबह कुछ नहीं खाया, 4 बजे 5 बजे के पहले जो टाइम होता है मैं भी भूल गया क्या टाइम था, लेकिन कुछ नहीं खाया क्योंकि मैंने ऐसे सोचा कि रोज़ा एक ही दिन का, उसमें मैं सुबह सहरी कर लूँगा तो कुछ मतलब वो सेटिस्फैक्शन वो ये नहीं होगा मुझे अंदर कि हाँ मैंने रोज़ा रखा, समझ रहे हो, दिल में वो फील नहीं आएगा कि रोज़ा रखा। इसलिए मैंने सोचा कि सहरी कैंसिल करते हो और डायरेक्ट शाम को 7 बजे मैं खाऊंगा पीऊंगा। रोज़ा रखने के पीछे कुछ कारण है जिसके कारण मैंने रोज़ा रखा है, और वो कारण ये है कि सबसे पहली चीज़ कि इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। ये मेरी तीसरी बार है, मुझे अच्छा लगता है रोज़ा रखना, एकदम बेसिक रखता हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है, फिजिकली आपके लिए अच्छा होता है। अभी ये लॉकडाउन में देखो हम लोग कितने दिन से घर का खाना खा रहे हैं, बाहर का वड़ा पाव वो पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें बंद है। उस बीच में मैं अगर एक दिन का रोज़ा रखूँगा तो कितना बॉडी के लिए अच्छा होगा, बराबर। जो सबसे मेन चीज़ मुझे पर्सनली लगता है, ये शो करता है के सारे रिलीजन एक है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब 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 सिर्फ इसलिए है ताकि दुनिया चल सके। एंड मैं एक ही रिलीजन है, ह्यूमैनिटी, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जो भी मैं इस व्लॉग में शेयर करूंगा वो मेरी थिंकिंग होगी, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा जो मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरी माँ भी कुछ बोलना चाहती है, वो बीच में बोल रहे थे लेकिन वो फिर गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं अलग से उनका कैप्चर करता हूँ। हाँ बोला, क्या बोला सचिव? मैं भी सब जगह जाती हूँ, दरगाह जाती हूँ, हजेली जाती हूँ, यहाँ की गलसोली के दरगाह जाती हूँ, जब भी कुछ मेरा दिल में लगता है मुसीबत तो दरगाह जाती हूँ। अभी जैसे मेरे माँ ने कहा कि वो भी हर जगह ऊपर जाते हैं, जब उन्हें लो फील होता है, जब उन्हें अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है, तो वो दरगाह जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, हर जगह ऊपर जाते हैं। और ये जो सीख है ये मुझे मेरे माँ बाप से मिली है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो मेरे मॉम डैड ने मन्नत रखी थी हाजी मलंग मलंगगढ़ जो कल्याण है वहाँ पर, तो इसके पीछे एक अलग कहानी है कि मन्नत क्यों रखी थी, किस लिए रखी थी, वो कभी किसी और ब्लॉग में शेयर करूँगा। और फिर हम लोगों का जो मुंडन है जो पहली बार टकला करते हैं वो हाजी मलंग में हुआ था, एकदम ऊपर पहाड़ के ऊपर, मुझे अभी भी वो याद है। एक फ़ोटो भी है, वो भी किसी अलग ब्लॉग में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो ऐसी कुछ कहानी है और इसलिए मैं भी हर रिलीजन में मानता हूँ, और बस यही कहानी है रोज़ा के पीछे। अभी लास्ट टाइम जो मैंने रोज़ा रखा था तो उस ब्लॉग में मेरी वाइफ और मेरा बच्चू महाराज भी था, और मेरे वाइफ अभी वो लोग नहीं है यहाँ पर, मेरी वाइफ गई थी अपने मायके, मुझे जाना था 28 मार्च को उसको लाने के लिए, लेकिन ये लॉकडाउन हुआ मैं नहीं जा पाया, टिकट कैंसिल हो गई, सब हो गया, तो अभी वो लोग अभी भी गाँव में ही है। तो मेरे वाइफ ने मुझे लास्ट टाइम कुछ टिप्स दी थी रोज़ा के लिए, अभी जो अगला क्लिप होगा वो लास्ट वाले रोज़ा का होगा, मेरे वाइफ ने जो मुझे टिप्स दी थी। हियर इट इज, बाय बाय नहीं जाओ, देखो हम लोग इधर ही बैठे हैं, ओके। जो रोजा करते हैं ना किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी को गुस्सा होता है, हाँ। नाश्ता ना पानी पीने कुछ नहीं, ना पानी पीने पेशाब जाते हैं, तो पेशाब जाने के लिए आपको पानी लेना है थोड़ा भी, ना पाक नीचे जितना बार पेशाब पीजिएगा उतना बार आपको पानी से यही सारी टिप्स थी जो हमारी सरकार हमारी वाइफ हमारी रागनी जी ने हमें लास्ट टाइम दी थी, और वही सारी टिप्स मैं आज भी फॉलो कर रहा हूँ। और आज के दिन का प्लान कुछ ऐसा है, मेरी मॉम ने और मैंने ऐसा कुछ प्लान किया है कि हम लोग बनाएंगे पूरी और खीर। हाई आज टाइम बनाएंगे पूरी खीर ना, और मैं भी जा रहा हूँ मार्केट क्योंकि मुझे लेना है केले खजूर और आलू, अगर होगा तो आलू की सब्जी खीर और पूरी बनेगी, और इफ्तारी के टाइम पे वही खाऊंगा मैं। अगर नहीं बनेगा तो भी इट्स ओके, तो भी इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो अभी विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग निकलते हैं मार्केट खजूर केले और आलू लेने के लिए। पता चला कि सारी चीज़ें बंद हो गई और सब धड़ा के धड़ा रह गया,
लेट्स गो मैन। अभी रोजा रखा है मैंने और ये नीचे के रूम में हमारी भाभी ने गरम गरम भजे बनाए, बराबर आज के दिन ये लोग को भजे बनाना था। मैं जा रहा था मार्केट सामान लेने, जैसे मैं नीचे सीढ़ी से उतरा मेरे को खुशबू आई और एक गरम गरम भजे। थोड़ा सा ठहरा भाई मजा करता, शाम को इफ्तारी के बाद खाएंगे भजे। और ये हमारा डेबरू, ये हमारी शैतान शित्तू, शैतान शित्तू आई तू, शैतान शित्तू पपीजा 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 पपीजा। चला 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 चाचू ये तो मार्केट होल। ये बीमारी चल रही है, ये सारी चीज़ें, लोगों की जान जा रही है, ये सब एक अलग पार्ट है। लेकिन अभी मैं घर के बाहर निकला हूँ, पूरा रोड खाली, एक अलग ही शांति महसूस हो रही है, एक अलग ही सुकून पूरा रोड के ऊपर, एक अलग ही मतलब चीज़ का एहसास होता है कि ऊपर वाला कितना मतलब पावरफुल है, नेचर कितना पावरफुल है, उस चीज़ का एहसास होता है। मुंबई जैसे जगह पर चाहे दुनिया भर की बारिश गिरे, चाहे आतंकी हमला हो, चाहे कुछ भी हो, तो भी कोई नहीं रुकता। लेकिन इस वायरस ने सभी चीज़ों को ठप कर दिया है, सभी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, और ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के कारण ही बाहर आया है, सिर्फ और सिर्फ इंसानों के कारण ही इस वायरस का जन्म हुआ है। और इस वायरस को कौन जन्म दे सकता है? इंसान ही है जो इस चीज़ को जन्म दे रहा है, अभी इंसान ही है जो इसके कारण सब भुगत रहा है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, क्या कर सकते हैं। जो भी चाहिए था सारी चीज़ें मिल गई, केले मिल गए, दूध मिल गया, खजूर भी मिल गया और आलू भी मिल गया। दूध, खजूर, आलू, केले, इतना ही था ना? हाँ, इतना ही था। और सारी चीज़ मिल गई, अब हम जा रहे हैं हमारे घर। और सीरियसली आई एम मिसिंग माई बच्चू महाराज और हमारी सरकार रागिनी जी वेरी मच। लास्ट टाइम कितना मज़ा आया था जब वो लोग थे ये टाइम पे साथ में और हम लोगों ने व्लॉग बनाया था रोज़ा वाला। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, घर पे चलते हैं। पाव किलो खजूर 70 रुपए जो दिले, 70 जो बैठते हैं क्या? पाव किलो 70 जे? हाँ 70 के तो एक किलो दे दे दो। ये दे लेते नहीं, ये वाले खजूर था मात्र को लाऊँ? बोलो एक दिवस की बात है ना, पिलू विचारली चाचू इतच आज कुठे नव्हतंच तर त्याच्याच पशीच होत एकट्या पशी। या गई सारी चीजें, ये केले को भी थोड़ा धूप है क्या यार? अब इसको साबुन से तो धो नहीं सकते तो इसको पानी से ही धो रहा हूँ। लास्ट टाइम जब रोजा पकड़ा था तो उसके नीचे वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि भाई व्यूज के लिए क्या क्या कर रहा है तो रोजा वोजा पकड़ रहा है। तो मैं ये बता देता हूँ कि रोजा मैंने 2011 में ही पकड़ा था, तो जब यूट्यूब से मेरा दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, दूर दूर तक यूट्यूब पता भी नहीं था मुझे, तभी भी रोजा पकड़ा था। तो अब जब रोजा पकड़ा तो मैं व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग करता हूँ बराबर। और एक अच्छा मैसेज है जो मैं लोगों को दे सकता हूँ, जब मैं अपने कंटेंट के जरिए लोगों को एक अच्छा मैसेज पहुंचा रहा हूँ, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, तो मैं उसे यूज क्यों नहीं करूँ? आप बताओ, नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए ना, देन व्हाई 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 मैन व्हाई। अभी पहले दूध भी धो रहे थे, दूध को तो साबुन से धो सकते हैं, ये प्लास्टिक की थैली है। अभी मेरी वाइफ का फ़ोन आया था गाँव से और उसने एक मुझे चीज़ बताई कि मेरा जो बच्चू महाराज है वो हर शाम को रोता है कि हाजी मलंग जाना है, हाजी मलंग जाना है, मुझे हाजी मलंग जाना है। मेरी माँ ने एक बार उसको बोला था कि तू हाजी मलंग का बंदर है, तो शायद उसके दिमाग में बैठ गया है हाजी मलंग, तो रोज़ शाम को रोता है हाजी मलंग जाना, हाजी मलंग जाना। और इसके पीछे एक कनेक्शन भी है छोटा सा। जब मेरी वाइफ प्रेगनेंट थी 5 मंथ्स, तो हम लोग गए थे हाजी मलंग, वहाँ पर मेरे बर्थडे के दिन 3rd December फर्स्ट टाइम, तुरा माई का तुरा संगीत लाई नहीं है, हाँ, तो मेरे बेबी ने फर्स्ट टाइम वहाँ पर लात मारी थी मेरे वाइफ को पेट के अंदर। ऐसा कुछ कनेक्शन है। ए बंद है, दे मोबाइल दे। मोबाइल बरोबर नहीं मस्ती कर, छोटी बाळ, छोटी बाळ त्या पिचकारी बरोबर खेळतात। अभी एक बहुत मस्त प्लान करके रखा है मैंने, ये रोजा ये बॉटल में डाल के रख दिया है पानी भर के, और इसको फ्रिज में रख दूंगा। जब इफ्तारी का टाइम होगा तब तक ये एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा और तब ये पीऊंगा मैं। आप भी पीना, चाचू भतीजी मिलके पियेंगे। बहुत खतरनाक टाइम पास कर लिया मैंने, अब जा रहा हूँ नहाने के लिए, इसके बाद नहाकर ही निकलूँगा और नहाकर ही आप लोगों से मिलूँगा। ओके, नहीं नहीं भूल के यार, 6 बज गए, 6 नहीं 7 बज गए, 7:15 हो गए, अभी जस्ट नहा के निकला हूँ मैं। मेरी वाली ने अभी 6:15 सब बनाना शुरू किया है, अभी 7 बजे तो रोज़ा खुलने का टाइम है, तो जब तक सब बना रहेगा नहीं बना रहेगा, पर मैं तो 7 बजे रोज़ा खोलूँगा अपना। ये हमारे सबसे बड़ी सोल्जर है, सोल्जर अंजलि। आइए मेरी माँ से फिलहाल हालचाल क्या है, कहाँ तक पहुँचा है मिशन, वो पूछते हैं। क्या लेट फोन बनना था सालन, तो घाय गए नो करो। ये आलू की सब्जी है जो अभी बनेगी और ये खीर पूरी बनाने वाली है मम्मी। थैंक यू वेरी मच मेरी माँ को।
थैंक यू आई। ऊपर प्रेयर पढ़ूंगा, अगरबत्ती जलाऊंगा, फिर जाकर जो भी है थोड़ा जो अपने दिल से जो दुआ करते हो दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा और फिर जाके रोज़ा खोलूंगा। 7 बजे का टाइम है जहाँ तक मैंने देखा था, तो पक्का खुल जाता हूँ। लेट्स गो। नहाया एकदम टाइम पे मैं 7 बजे के पास, 7:45 के पास। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, तो सारी चीज़ें खत्म हो गई दोस्तों। रोज़ा भी खोल दिया, इफ्तारी वगैरह सब हो गई, नीचे आया, प्लेट वगैरह सब रख दिया। अब आया है समय आप लोगों को अलविदा बोलने है, लेकिन अलविदा बोलने के पहले आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से एक बार दोबारा रमज़ान मुबारक, रोज़ा मुबारक। बस यही हंसी खुशी बांटते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि हमारे पास लाइफ में खुश रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आज रोज़ा मुबारक, हाँ सबको रोज़ा मुबारक। हमारे पास लाइफ में खुश रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरी बात कर लूँ मैं, मेरे पास लाइफ में खुश रहने के लिए खाना है आज खाने के लिए, जिसके बलबूते पे मैं रोज़ा खोल सकता हूँ। वरना कुछ लोग इस टाइम में लॉकडाउन में ऐसी परिस्थिति में उनके पास खाना भी नहीं है। सो वी हैव मैनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल। बस इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 32-33 डेज हो गए, ऑलमोस्ट 13-15 ब्लॉग्स अपलोड कर दिया मैंने। अगर मेरा वर्क फ्रॉम होम नहीं होता तो रोज़ एक ब्लॉग एक नए टॉपिक के साथ ज़रूर अपलोड करता। और सब्जी तो रेडी हो गई, बस पूरी बाकी है, तो वो बनेगी तो खाना भी खा लिया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। बाय बाय, टेक केयर।